अभी तक यूपी में डग्गा मार बसों को राहगीरों और यात्रियों द्वारा धक्का लगाते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन यूपी के कानपुर देहात से अब एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसने सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावों की जमीनी हकीकत जग जाहिर कर दी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस सेवा दी जाती है, मगर तब क्या किया जाए जब ये स्टार्ट ही ना हो। ऐसी सिचुएशन में काम आता है जुगाड़, धक्का मार जुगाड़। और सरकारी एम्बुलेंस को ऐसे ही धक्का मार कर स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए राहगीरों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार को निशाने पर लिया है। वायरल वीडियो कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग एम्बुलेंस के पीछे धक्का लगाते हुए दौड़ रहे हैं। जब बात बनती नहीं दिखी तो बाइक सवार एक युवक भी मदद के लिए आगे आ गया। वो चलती बाइक से एक पैर एम्बुलेंस में लगाकर उसे तेज दौड़ाने में मदद करते हुए दिख रहा है। करीब 100 मीटर तक धक्का मारने के बाद जाकर एम्बुलेंस स्टार्ट हुई। जी इसमें सेल्फ नहीं लग रही, स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बुलाया हमको कि इसको धक्का लगवा दो, तो मैंने धक्का लगवाया। उसके बाद वो स्टार्ट हुई, उसके बाद वो CHC अस्पताल रसूलाबाद गई। कितने दूर धक्का लगाया आपने? हमने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लगाया, जो कुछ 150 मीटर हो अंदाजा से, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद स्टार्ट हो गई थी। एम्बुलेंस कहाँ जा रही थी? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद। वहीं दूसरी तरफ सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट करते हुए राज्य सरकार में स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में अस्पताल के वार्डों में कुत्ते, परिसर में सांड और एम्बुलेंस खराब और नदारद है जांच, दवाई, डॉक्टर और स्टाफ। जनता ही अगले चुनाव में भाजपा सरकार का पूरा पक्का और तसल्ली बख्श इलाज करेगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ये एम्बुलेंस रसूलाबाद CSC में अटैच UP 32BJ 9834 नंबर की 108 नंबर की सरकारी एम्बुलेंस है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद जिले का कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल सड़क पर धक्का मार एम्बुलेंस का ये वायरल वीडियो न सिर्फ यूपी में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है, बल्कि बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है कि अगर किसी भी मरीज को एम्बुलेंस की इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है तो ऐसे एम्बुलेंस को समय रहते मरीज तक कैसे पहुंचाया जा सकता है जो खुद धक्का लगाए बिना स्टार्ट ही ना हो। ऐसे में सूबे के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के कड़े निर्देशों के बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही का प्रत्यक्ष प्रमाण साबित होती है। कानपुर देहात से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता रजनेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।